हेलो गाइस, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे ओना आर्टिकल, एडजेक्टिव एंडिंग ओना आर्टिकल की। अभी तक हमने जो लास्ट टू वीडियोस थी वो थी एडजेक्टिव एंडिंग, एक थी उनबेस्टिम्टा आर्टिकल, दूसरी थी बेस्टिम्टा आर्टिकल। नाउ आज हम करने जा रहे हैं ओना आर्टिकल। ओना का मतलब होता है विदाउट आर्टिकल, मतलब जिसमें कोई आर्टिकल नहीं होगा, तो हम उसकी एडजेक्टिव एंडिंग कैसे करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम लिखती हूँ, एडजेक्टिव एंडिंग पर। बट किसका करेंगे आज हम? ओना आर्टिकल। ओना आर्टिकल, सो ओना आर्टिकल का मतलब होता है विदाउट आर्टिकल। विदाउट आर्टिकल, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं। अच्छा, उससे पहले मैं ये समझाना चाहूंगी कि एडजेक्टिव एंडिंग कितने टाइप की होती है। एडजेक्टिव एंडिंग तीन तरह की होती है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एडजेक्टिव एंडुंगर ये थ्री टाइप्स की होती है। पहला होता है अनबेस्टिम्टा आर्टिकल, दूसरा हो गया बेस्टिम्टा आर्टिकल, एंड थर्ड वन इज ओना आर्टिकल, जो आज हम करने जा रहे हैं। That means without article. Okay. तो इसका example हो गया जैसे I blower a blow, अभी मैं अभी बाद में ending लिखूंगी। यहाँ पर हो गया their blow dash coolie, and यहाँ पर लिया मैंने just blow coolie, मतलब यहाँ कोई article नहीं है, यहाँ there is no article। तो अब इनमें क्या ending लगेगी? तो यहाँ पर लगती है ER, ये already हम कर चुके हैं। यहाँ लगते है ई एंडिंग, ये भी कर चुके हैं, आज हम ये करेंगे। तो यहाँ भी ब्लाउअर लगता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? आज हम ये करेंगे, राइट। तो एडजेक्टिव एंडिंग हमारी तीन तरह की होती है, अनबेस्टिम्टा आर्टिकल, बेस्टिम्टा आर्टिकल, ओना आर्टिकल। और अनबेस्टिम्टा आर्टिकल का मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल लगा होता है उससे पहले। तो जैसे कि हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आ लगा होता है, तो हम मेरे को बोलना है आ ब्लू पेन, तो मैं यहाँ में बोलूंगी आई एम ब्लाउअर कूली। और बेस्टिम्टा आर्टिकल का मतलब डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है, जैसे कि देयर ब्लाउअर कूली। और ओना आर्टिकल का मतलब कोई आर्टिकल ही नहीं लगा हुआ। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, एडजेक्टिव एंडिंग बेसिकली होता क्या है, क्यों यूज करते हैं? तो एडजेक्टिव के बाद जो एंडिंग लगती है उसको एडजेक्टिव एंडिंग बोलते हैं। लेकिन ये कब लगती है? अगर एडजेक्टिव नाउन से पहले है तो। अगर एडजेक्टिव अकेला है तो कोई एंडिंग नहीं लगेगी। जैसे मैंने बोला द पेन इज ब्लू, तो ब्लू आगे, ब्लू के आगे पीछे कुछ नहीं है। लेकिन मैंने बोला दिस इज अ ब्लू पेन, यानी कि पेन को फोकस कर रहा है ब्लू, तो यहां पर एडजेक्टिव लगेगी। यानी कि एडजेक्टिव एंडिंग वहां लगती है अगर आपका एडजेक्टिव नाउन से पहले है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला दिस इज अ ब्लू पेन, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी एंडिंग लगेगी, क्योंकि ये नाउन से पहले है। अगर मैं बोलूंगी द पेन इज ब्लू, अब यहां सपोज मैंने ये लिखा, तो ब्लू के आसपास तो कुछ नहीं है ना, ये खाली है, अकेला है, तो यहां कोई एंडिंग नहीं लगेगी। तो जर्मन में अगर मैं बात करूं, अगर यही सेंटेंस अगर मैं जर्मन में बनाऊं, तो जर्मन में ये कुछ इस तरह से बनेगा, दास इज आइन ब्लाउअर कूली, क्योंकि कूली है और कूली से पहले लगा हुआ, तो ये ईआर एंडिंग लग गई। यहां पर अगर मैं यही बात यहां करूंगी तो ये देयर कूली इस ब्लाउ आएगा, इसमें कोई एंडिंग नहीं लगेगी, यहां कोई एंडिंग नहीं लगेगी क्योंकि अकेला है। यहां पर क्या था, ब्लाउ जो है वो नाउन से पहले है और ये इनडेफिनेट आर्टिकल वाला था, इसलिए यहां पर ईआर लगा, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम ओना आर्टिकल करने जा रहे हैं। तो ओना आर्टिकल का मतलब वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ। जैसे आप न्यूज़पेपर में कोई एड देखते हैं तो आप क्या देखते हैं, चमचमाती कार, मतलब वहां ये नहीं लिखा होता एक चमचमाती कार या द चमचमाती कार, कोई पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं होता वहां, जस्ट एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने वो ब्लू कार, तो मैं आ और द यूज नहीं करना चाहती, तो अब हम क्या एडजेक्टिव एंडिंग लगाएंगे वो हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि इसको एक बार हम डिवाइड कर लेते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइत्रम एंड प्लूराल। तो अगर सपोज मेरा लिख बना हुआ है कि मैंने ब्लाउ डैश कूली, राइट, दूसरा लिया मैंने, मैं एक टेबल बना देती हूं सो दैट डिफरेंस समझ में आ जाए।
ये है नॉमिनेटिव जो अभी हम करने जा रहे हैं, देन हम करेंगे अकुजेटिव, देन हम करेंगे डार्टिव, राइट। तो नेक्स्ट है ब्लाउ डैश टाश, देन है ब्लाउ डैश बुक, और यहां पर है ब्लाउ डैश ब्यूशर, यहां मैंने एक प्लूरल ले लिया। नेक्स्ट अकुजेटिव में ब्लाउ डैश कूली, अगेन ब्लाउ डैश टाश, ब्लाउ डैश बुक। अभी मैं एडजेक्टिव एंडिंग कुछ नहीं लगा रही हूं, सिर्फ आपके लिए मैं लिख देती हूँ डैश ब्यूशर। डार्टिव में क्या हुआ, ब्लाउ, अगेन मैं सेम चीज ही लिख रही हूँ, एंडिंग कुछ नहीं लगाई है, यहां पर सेम रहेगा क्योंकि आर्टिकल तो लग ही नहीं रहा। एंड दिस वन इज, सो ये मैंने आपके लिए लिख दिया, यानी कि ब्लू कूली। अब कूली का मतलब पेन होता है और कूली का आर्टिकल देयर होता है, मैस्कुलिन होता है, तो मैंने इसको मैस्कुलिन की लाइन में लिख दिया। एंड देन टाशा हमारा फीमेल होता है, इसका आर्टिकल दी होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। बुक हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। एंड प्लूरल ब्यूशर हो गया, राइट। अब मैं अभी कर नहीं दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या क्या आएगा, मैं आपको बस सिंपल सी एक टेबल लर्न कराऊंगी, जैसे हमने उन बेस्टिंट और बेस्टिंट आर्टिकल में किया था, यहाँ पर भी वही करना है। अच्छा, ये ओना आर्टिकल थोड़ी उन बेस्टिंट आर्टिकल से सिमिलर है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैं आपको टेबल याद करने बोल रही हूँ सिर्फ उस टेबल को ध्यान में रखना। टेबल कुछ ऐसे कहती है, टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ER, E, ES और E, ये याद करना है, देन EN, E, ES एंड E। यहां पर क्या करना है, EM, ये जो थोड़ी सी डिफरेंट है, ER, EM एंड EN। अभी तक हमने क्या डिफरेंस है, देखो अगर आपने वो याद होगा आपको, हमने उन बेस्टिंट आर्टिकल में ये वाली नॉमिनेटिव में ER किया था, E किया था, ES किया था, ये तो होता ही नहीं है प्लूरल। देन हमने EN किया था, E किया था, ES, इतना किया होता। और जितना भी आपने बेस्टिंट आर्टिकल और उन बेस्टिंट में देखा होगा, हमने डार्टिंग में EN, 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 EN लिखा था, यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर EM आ जाता है, ER आ जाता है, EM आ जाता है, एंड प्लूरल में EN आ जाता है, और यहां पर ओना में प्लूराल भी होता है ई। तो ये क्या है, ये आपका मैस्कुलिन वाला है, ये फेमिनिन, ये न्यूट्रल जेंडर, ये प्लूराल, ये नॉमिनेटिव की बात हो रही है, ये अकुजेटिव की बात हो रही है, एंड ये डार्टिव की बात हो रही है। तो बेसिकली क्या है, नॉमिनेटिव और अकुजेटिव ये तो सिमिलर है, मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल जेंडर, बस डिफरेंस क्या हुआ, डार्टिव में ईएम आ गया, ईआर आ गया, ईएम आ गया, ईएन आ गया, और प्लूराल में ईई आ गया। बेसिकली पहले क्या हो रहा था, आपका आर्टिकल लगा हुआ था, तो आर्टिकल जैसे मैं आई नम ऑलरेडी ईएम लगा हुआ था, तो हम नेक्स्ट में सिर्फ ईएन लगा देते, जैसे आई नम ब्लाउन कूली। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सीधा है, आपको ये दे दिया गया और आपको ये लगाना है सीधा एडजेक्टिव एंडिंग, तो हम यहाँ पर ईएम लगा देंगे। हमें पहले हम आर्टिकल लगा रहे थे, अब हम आर्टिकल नहीं लगा रहे, वी आर नॉट यूजिंग एनी आर्टिकल, सो हम लोग यहाँ पर चेंज आ रहा है, तो हम यहाँ ब्लाउम कूली कर दी। ब्लाउम क्यों किया, क्योंकि कूली का आर्टिकल देयर है, और अगर सपोज मैं डार्टिंग में यूज करना चाहती हूँ तो मैं ईएम यूज करूंगी, मिट ब्लाउम कूली सपोज, तो विद आता है, मिट के साथ डार्टिव लगता है, तो मैं बोलूंगी ब्लाउम कूली, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, बीच में कोई आपका आर्टिकल नहीं लगा, इसलिए ये ओना आर्टिकल है। अब ओना आर्टिकल है तो मिट के साथ डार्टिव केस लगता है, और डार्टिव में हमने देखा कूली हमारा मैस्कुलिन है, हमारा क्या लगता है ईएम, तो इसलिए मैंने ईएम लगाया यहाँ पर, राइट। तो अब मैं वापस ऊपर चलती, तो हमारी टेबल क्या थी, ER, E, ES, E, EN, E, ES, E, एंड यहाँ पर EM, ER, EM और EN। तो अब मैं वापस ऊपर जाती हूँ, और अब मुझे बताना कि ऊपर क्या आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर अब आपका क्या आएगा, यहाँ पर पहले वाले में मैस्कुलिन में, मैस्कुलिन में आपका आएगा, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो ये आएगा ER, then E, then ES and plural में E, यहाँ पर EN, E, ES and E, एंड यहाँ पर हमने क्या सीखा था, EM, ER, EM and EN। तो अगर मैं इसको सेंटेंस को पढ़ूं तो मैं बोलूंगी ब्लाउअर कूली मतलब ब्लू पेन, ब्लाउअर टाशर ब्लू बैग, ब्लाउएस बुक मतलब ब्लू बुक। एक्चुअली क्या हुआ, एडजेक्टिव एंडिंग यहीं पर कैरी हो गई,
हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब यहीं पर हमने बोल दिया ब्लाउअर ब्यूशर मतलब ब्लू बुक्स, ब्लाउअन कूली ब्लू पेन, ब्लाउअर टाशर, ब्लाउएस बुक, ब्लाउअर ब्यूशर, प्लूराल में सिर्फ ई एंडिंग, और यहाँ पर डाटे में ब्लाउअन कूली, ब्लाउअर टाशर, ब्लाउअन बुक एंड ब्लाउअन ब्यूशर, राइट। तो ओना आर्टिकल का क्या मतलब होता है, जब कोई आर्टिकल नहीं लगा होता। यहाँ पर हमने ना ही डेफिनेट आर्टिकल लगाया ना ही यहाँ पर इनडेफिनेट लगाया, विदाउट आर्टिकल हमने ये किया, और विदाउट आर्टिकल करने के बाद जो हमारा एडजेक्टिव है हमने उसमें एंडिंग लगा दी, जैसे कि हमने उस दौरान भी किया था बेस्ट टेंटर और अनबेस्ट टेंटर आर्टिकल में भी, तो यहाँ पर भी वही किया, बस यहाँ पर सिर्फ डाटिव में डिफरेंस आ गया कि डाटिव में हमें ईएम लगाना है, ईआर लगाना है, ईएम लगाना है और ईएल लगाना है, राइट। तो एक बार आप टेबल दोबारा देख लो, तो टेबल ये कहती है हमारी ई आर ई ई एस ई ई एन ई ई एस ई ई एम ई आर ई एम ई एन, तो टेबल क्या है दोबारा से अगर हम याद करेंगे तो ई आर ई ई एस ई ई एन ई ई एस ई ई एम ई आर ई एम ई एन। तो ये क्या था, ये तो मैस्कुलिन था, फेमिनिन था, न्यूट्रल जेंडर था, प्लूरल था, नॉमिनेटिव, accusative and dative, बस ये हमारी टेबल हो गई। तो ये टेबल हमारी ear, e, ese, en, e, ese, इसको याद करना, em, er, em, er, सिर्फ इसको याद करना है और आपको एंडिंग फिल कर देनी है, यानी कि बस फिर अब आपको देखना है सेंटेंस क्या है, नॉमिनेटिव है, accusative है, dative है, उसके अकॉर्डिंग आपको एंडिंग कर देनी है। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला Deutscher Wein ist teuer. अब Deutscher Wein क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर वाइन का आर्टिकल होता है देयर, तो और यहां पर ओना आर्टिकल है, ये जो Deutscher है यहां पर ये अभी एडजेक्टिव है, जर्मन वाइन ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में एंडिंग लगेगी। यहां पर मैंने ER क्यों लगाया, क्योंकि ये सेंटेंस नॉमिनेटिव है, ये जो वर्ड है ये सब्जेक्ट में आ रहा है, राइट ये सब्जेक्ट में आ रहा है, दैट मींस हमारा नॉमिनेटिव केस लगा हुआ है। तो नॉमिनेटिव में क्या लगता है, और वाइन का आर्टिकल देयर होता है तो नॉमिनेटिव में क्या लगता है, नॉमिनेटिव में लगता है ER, तो इसलिए Deutscher Wein बोला मैंने, राइट। अच्छा अगर मैं इसी को बोलती हूँ कि इश ट्रिंकर, अभी तो ये नॉमिनेटिव था, अगर मैं ये सेंटेंस वो बना देती हूँ अकुजेटिव कि मैं जर्मन बियर पी रही हूँ या जर्मन वाइन पी रही हूँ सॉरी, तो मैं क्या बोलूंगी इश ट्रिंकर, अब मैं इसको डॉयच, मैं भी एंडिंग नहीं लगा रही वाइन, अब मैंने वाइन कहाँ यूज कर रही हूँ, अब मैं वाइन को ऑब्जेक्ट में यूज कर रही हूँ, तो यानी कि अभी मेरा क्या चल रहा है, ये अकुजेटिव केस चल रहा है, तो और ये हमें पता ही है वाइन का आर्टिकल देयर होता है, तो अकुजेटिव केस में क्या लगता है, जब हमने टेबल की थी ER, EN, EM, तो अकुजेटिव में क्या लगता है EN, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा Deutschen, तो इस तरह का Deutschen वाइन मतलब मैं एक जर्मन वाइन पी रही हूँ, तो मैं इस तरह से बोल सकती हूँ, राइट। अच्छा मैं ये चीज डार्टिव के साथ बनाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी इश, जैसे इश राइबर मैं लिख रही हूं मेट रोट डैश कूली, मतलब आई एम राइटिंग विद रेड पेन, तो मैं आ नहीं लगा रही द नहीं लगा रही, तो विद रेड पेन कूली का आर्टिकल हमें ऑलरेडी पता है, कूली का आर्टिकल हमारा देयर होता है और मिट लग गया है, मिट की वजह से डार्टिव केस लग गया है, तो डार्टिव में क्या लगता है, हमने अभी टेबल की है ई आर ई ई एन ई एम, तो क्या लगता है हमारा ई एम, तो इश्राइबर मिट, बस आपको ये देखना है कि ये मैस्कुलिन है, भाई मैस्कुलिन है तो ये तीन केस लग सकते हैं, फिर हमें देखना है डार्टिव है, डार्टिव में ई एम लगता है, अकुजेटिव है तो ई एन लगेगा और नॉमिनेटिव है तो ई आर लगेगा, राइट। नॉमिनेटिव ई आर, अकुजेटिव ई एन, डार्टिव ये, सबसे पहले देखना है उसका आर्टिकल क्या है, उसके बाद देखना है केस कौन सा लग रहा है, राइट। तो अब मैं और आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इश, अब मैं फेमिनिन का देती हूँ इश एस डॉयच डैश वुर्स्ट, अब वुर्स्ट का आर्टिकल हमें पता होना चाहिए, उससे पहले मैं और बता देती हूँ इश एस डॉयच, अभी मैं कुछ एंडिंग नहीं लगा रही हूँ ब्रॉड इश ट्रिंक डॉयच बियर। अब आप मुझे बताना, पहले तो ये देखो कि ये सेंटेंस कौन से हैं, सबसे पहले हमें देखना है वुस्ट, वुस्ट का आर्टिकल क्या होता है, वुस्ट क्या है फेमिनिन, ये हमें पता चल गया यानी कि ये फेमिनिन है, फेमिनिन के केस में क्या लगता है, अब हम फिर अगेन वो टेबल बना लेते हैं ई आर ई ई एस ई ई एन
ई ई एस ई राइट, और डाटी में ई एम ई ई एस, डाटी में ई एम ई आर ई एम ई एन राइट। अब इधर बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा फैमिली, यानी कि हमारी ये वाली टेबल लगेगी, ये वाली टेबल लगेगी। ओके, अब हमें देखना है कि ये सेंटेंस क्या है, आकुजाटिव या डाटिव। तो ई शेशर डॉयचर वुस्ट, तो यहाँ पर वुस्ट है, वुस्ट यानी कि ये आकुजाटिव सेंटेंस है आपका, आकुजाटिव सेंटेंस है, यानी कि मेरी ये वाली टेबल लगेगी, ये वाली टेबल लगेगी। तो मुझे क्या लगाना है, ई डॉयचर वुस्ट। अब अगेन इश एसर डैश ब्रॉड, यानी कि ये समझ में आ गया आपका, आकुजाटिव सेंटेंस है। ब्रॉड क्या है, ब्रॉड का ब्रॉड न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर में क्या लगता है, आकुजाटिव में ईएस लगता है, तो हमारा ईएस लग गया। बियर, बियर का आर्टिकल क्या है, बियर भी न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, और फिर हमारा सेंटेंस क्या है, ये इश ड्रिंकर डॉयच बियर, तो ये हमारा आकुजाटिव है, आकुजाटिव सेंटेंस, न्यूट्रल जेंडर क्या लगता है, ईएस। तो इश ड्रिंकर डॉयचस बियर बोलेंगे, इश एस डॉयचस ब्रॉड बोलेंगे, इश एस डॉयचर वुस्ट बोलेंगे। यानी कि हमारे इस पे डिपेंड करता है कि हमारा आर्टिकल क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, फिर हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस नॉमिनेटिव है, अकुजेटिव है, डाटिव है, उसके अकॉर्डिंग हमारी एंडिंग लगेगी राइट। अच्छा, मैं एक डाटिव का भी सेंटेंस देती हूँ, ये दोनों अकुजेटिव थे, ये तीनों अकुजेटिव थे। डाटिव का सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, इश गेह मिट मिट क्लाइन डैश फ्राउ। अब आपको बताना है, मिट आ गया, मिट इज डार्टिव, क्लाइन मतलब छोटी, फ्राउ मतलब लेडी, एक मैं छोटी लेडी के साथ जा रही हूं जिसकी हाइट कम है, मैं क्या बोलूंगी, इश गे हम मिट। अब क्लाइन है, फ्राउ का आर्टिकल है, फ्राउ का, फ्राउ क्या है, फेमिनिन, और इसके केस में क्या आता है, फ्राउ का आर्टिकल फ्राउ फेमिनिन है, यानी कि इसका आर्टिकल दी है, तो उसमें क्या आता है, डार्टिव के केस में, और मिट लग गया, मिट से मुझे पता चल गया डार्टिव, डार्टिव में क्या होता है, ई एम ई आर ई एम ई एन, तो फेमिनिन में क्या आता है, ई आर, तो मैं बोलूंगी इज गे हम मिट क्लाइन फ्राउ राइट। अच्छा, मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे इश एस मिट, इश एस एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे मैं इश ऐसे ब्रॉड मिट मिट डॉयच वाइन, आई एम ईटिंग ब्रेड विथ जर्मन ब्रेड, तो वाइन है, वाइन का आर्टिकल अगेन हमें पता है देयर होता है, ये मतलब मैस्कुलिन है। अब ये हमारा मिट आ गया, मिट इज डार्टिव, तो यहाँ डार्टिव लग गया, डार्टिव के केस में क्या लग जाता है, ई एम, तो यहाँ लग जाएगा ई एम। तो इश एस ब्रॉट मिट डॉयचम वाइन, तो मैं जर्मन वाइन के साथ ब्रेड ले रही हूँ या खा रही हूँ राइट। तो आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वो टेबल बनानी है और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है सेंटेंस क्या है, नॉमिनेटिव, अकुजेटिव या डार्टिव राइट। अब मैं कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, आप मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, आप मुझे बताना कि इसके आंसर्स क्या होंगे। बस सेंटेंस आपको देखना है कि नॉमिनेटिव है, अकुजेटिव है, डार्टिव है। नेक्स्ट इज, देन इश से ओन आर्टिकल फिल्म का आर्टिकल पता होना चाहिए, फिल्म अकुजेटिव है, नॉमिनेटिव है, ये देखना है, उसके अकॉर्डिंग एंडिंग लगानी है। ये बताना है,
ये बताना है कि क्या लगेगा. पहले तो ये देखना है नॉमिनेटिव सेंटेंस आपको जाटिव या डाटिव. एंड नाउ सेवेंथ, आपको ये भी देख सकते हो डाटिव वर्ब है तो उसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है. इश्क राटुलियारा, हाँ जी. अब आपको बताना है कि इनमें क्या एंडिंग आएगी. एडजेक्टिव एंडिंग, यहाँ पर आपने चीज नोटिस की होगी मैंने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है. मैंने सिंपल आप सेंटेंसेस बनाए हैं, आपको सामने टेबल बनानी है. टेबल क्या बनानी है, अगेन वही टेबल, सिंपल सा टेबल बनाना है आपको और उसके अकॉर्डिंग आपको कर देना है सेंटेंस करने हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या टेबल बनानी है, ई आर ई ई एस ई, then E N E E S E, then E M E R E M and E N. बस ये टेबल आपके सामने होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो. और ये आपको पता ही है, ये ऊपर वाला मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल जेंडर, प्लूरल, और इधर वाले सारे नॉमिनेटिव, अकुजेटिव एंड ये है डाटिव. राइट. तो अब आपको सेंटेंस देखना है, पहले उनका आर्टिकल पता होना चाहिए. सबसे पहले जैसे इसका आर्टिकल पता होना चाहिए, उसके ये क्या है, मैस्कुलिन है, क्या है, फेमिनिन है. उसके बाद देखो सेंटेंस नॉमिनेटिव है, अकुजेटिव है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे. भाई अकुजेटिव है तो क्या एंडिंग लगेगी, नॉमिनेटिव है तो. सबसे पहले बस ये टेबल याद होनी चाहिए, ई आर ई ई एस ई, ई एन ई ई एस ई, सिर्फ ये एंडिंग्स याद कर लो और कुछ नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग फिर आप फिल कर दोगे. और यहाँ पर देखो मैंने कोई आर्टिकल नहीं यूज किया, तो ये आपका ओना आर्टिकल हो गया. तो आप इसके आंसर्स में करना, कुछ दिन बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आंसर्स, तो आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा. कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं. एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट. अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, आपको नीचे नंबर दे गए हैं. साथ में अगर कोई इंस्टा पे, टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहता है या जर्मन नोट्स लेना चाहता है तो ब्लॉगस्पॉट पर मेरा अकाउंट है, आप वहां पर जा सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो वहां से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जर्मन, जो मैं ये वीडियो में बनाती हूँ, तो वही मेन कंटेंट आपको उसमें पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा या जेपीजी फाइल में मिल जाएगा, तो वहां पर आप ब्लॉग्स में देख सकते हैं. राइट. थैंक यू वेरी मच. प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.